हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जो हमारी सीरीज चल रही है क्विक बाइट्स एंड प्रीलिम्स रिवाइंड थ्रू हिस्ट्री यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए। और हमारी तरफ से जितना आपका हिस्ट्री का प्रिपरेशन होलिस्टिक हो जाए, फुल प्रूफ हो जाए, कॉन्फिडेंटली आप जो एवरेज 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करें, यही हमारा प्रयास चल रहा है। सो फिर से एक बार द कोर आईएएस और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं और एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्रूशल एस्पेक्ट जो है उसके बारे में। आज की बाइट का हाईलाइट जो है वो है अंगड़ी यार्ड्स। आज की जो बाइट हाईलाइट है वो हाईलाइट क्या है, अंगड़ी यार्ड्स। तो ये आइडियाज अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्यों? साउथ मुंबई में, साउथ मुंबई जो पूरे इंडिया का सबसे प्राइम एरिया है, रिचेस्ट एरिया है और जो वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी है, वहाँ पे तीन मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स है, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। क्यों? क्योंकि वो तीनों आंगड़िया नाम की एक कम्युनिटी रहती है। आंगड़िया नाम की एक कम्युनिटी होती है जो खास करके मुंबई में सेट है, उन अंगड़ियास को वो लोग थ्रेटन कर रहे थे, डरा धमका रहे थे और उनसे पैसा ऐट रहे थे, उनसे पैसा बेसिकली एक्सटॉर्ट कर रहे थे। ये न्यूज़ है। तो जाहिर सी बात है फिर ये न्यूज़ बहुत ही आपको लगेगी कि अनइम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बट ये प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ये जो अंगड़िया टर्म है जिसके बारे में हम देखेंगे ये एग्जैक्टली ये अंगड़िया क्या है, तो ये टर्म खास करके हमारा मेडिवल इंडिया, लेट मेडिवल इंडिया और अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी है, मतलब 16 to 18 सेंचुरी की, उससे जुड़े हुए रेवेन्यू, इकोनॉमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जो आजकल यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है उससे जुड़ा हुआ ये टर्म है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। आंगड़िया ये जो टर्म है ये खास करके लेट मेडिवल और अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री जो है 16 to 18 सेंचुरी की उससे जुड़ा हुआ टर्म है, और खास करके ये रेवेन्यू, इकोनॉमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स जिसके बारे में यूपीएससी आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है, जैसे बंजारास हो गए। ओके, बंजारास के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया, दो बार पूछा गया है, तो ऐसे जो टर्म्स है उसमें ये आपको दिखेगा कि आंगड़िया इज अ इकोनॉमिक टर्म। आंगड़िया एक जो आप लेट मिडिवल और अर्ली मॉडर्न इंडिया में जो इकोनॉमी थी उस इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल सिस्टम चलती थी उसके बारे में टर्म है, और ये जो सिस्टम है अंगड़िया टर्म और उससे एसोसिएटेड सिस्टम ये आज भी एग्जिस्ट करती है, ये आज भी एग्जिस्ट करती है। तो जाहिर सी बात है यूपीएससी डेफिनेटली इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आइए जानते हैं फिर अंगड़िया सिस्टम है क्या, ये अंगड़िया चीज़ क्या है, ये अंगड़िया सिस्टम क्या होती है। तो ध्यान में हमें ये रखना है, आंगड़िया ये जो सिस्टम है ये बेसिकली एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है, ये बेसिकली एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है जो हमारे कंट्री में चलती है, या ट्रेड या मर्चेंट कम्युनिटी के बीच में ये सिस्टम चलती है। ये सेंचुरीज ओल्ड सिस्टम है, लगभग आपका जैसे मैंने बताया 16 to 18 सेंचुरीज के आसपास ये सिस्टम अच्छी खासी डेवलप हुई थी। ठीक है, सो ये जो पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है जिसमें जो दो ट्रेडर्स रहते हैं या दो जो मर्चेंट्स रहते हैं वो एक दूसरे को कैश ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे को कैश ट्रांसफ़र करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक सिटी से दूसरे सिटी में और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। वो क्या करते हैं ट्रेडर्स या मर्चेंट्स, क्या करते हैं कैश एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे या आधार पे ये कैश ट्रांसफ़र होती है एक सिटी से दूसरे सिटी में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और ये जो सिस्टम है जिस पर्सन के थ्रू या जिस इंडिविजुअल के थ्रू ये कैश ट्रांसफ़र की जाती है उस पर्सन को आंगड़िया कहते हैं। उस पर्सन को क्या है, आंगड़िया कहते हैं। आंगड़िया का मतलब होता है कि आपका एजेंट या कुरियर है, ये जो आंगड़िया होता है एजेंट या कुरियर वो आपका कैश ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए मैंने बताया ये पैरेलल बैंकिंग है, एक अनऑफिशियल बैंकिंग सिस्टम है, ये कंप्लीट ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक बैंकिंग चैनल है लेकिन अनऑफिशियल है। तो जाइए आइए जानते हैं फिर कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। यूपीएससी ओरिजिन या जो बैकग्राउंड है उसमें भी उतना ही इंटरेस्ट लेती है।
किसी भी चीज़ को आप उसका ओरिजिन पता नहीं होगा, उसका बैकग्राउंड ठीक से पता नहीं होगा, तो हमें उस सिस्टम को पूरा समझना आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए पहले जानते हैं ओरिजिन क्या है। तो अंगड़िया जो सिस्टम है, खास करके जो कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है, तो एक तरीके से वो अंगड़िया कम्युनिटी या क्लैन ही बन गई है। तो उनका ओरिजिन गुजरात के काठेवाड़ या सौराष्ट्र रीजन से है। उसका ओरिजिन जो है वो गुजरात के काठेवाड़ या सौराष्ट्र रीजन से उसका ओरिजिन है। और जैसे मैंने बताया कि आपका मुगल काल ख़त्म होते होते और ब्रिटिश पीरियड में खास करके, उस टाइम से ये लोग आपके मनी ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व हैं। जैसे हमारा वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र होता है, वैसे ये लोग बेसिकली मनी ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व है। कब से? लेट मुगल पीरियड या खास करके ब्रिटिश पीरियड, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो फिर अभी जानते हैं कि इनका फंक्शन कैसे होता है, अगर ये अनऑफिशियल बैंकिंग की तरह काम करती है, पैरेलल बैंकिंग की तरह काम करती है, तो इनका फंक्शनिंग कैसे होता है। तो मैंने जैसे बताया कंप्लीटली ट्रस्ट के बेसिस के ऊपर, दो लोगों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट रहता है और इसलिए वो मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। और ट्रांसफ़र की जाने वाली अमाउंट हमारी जैसे पेटीएम या फ़ोनपे जैसी छोटी मोटी अमाउंट में नहीं है, करोड़ों करोड़ रुपये एक समय में, एक टाइम में करोड़ों करोड़ रुपये ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, और पूरी रिस्पांसिबिलिटी उस एक आदमी की, जिसको अंगड़िया कहा जाता है, उसकी वो रिस्पांसिबिलिटी होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक सिटी से दूसरे सिटी में वो अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, वो भी सेफली। ठीक है, और उसके बदले में वो अंगड़ियाज बेसिकली अपना कमीशन या नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। वो अंगड़ियाज जो होते हैं वो आपका कमीशन या नॉमिनल फीस जो है वो चार्ज करते हैं। और उसमें होता कैसे, उसमें कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोडिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो दे विल यूज अ टर्म लाइक जोखिम। जोखिम तो हमारा हिंदुस्तानी उर्दू टर्म है जो हिंदी में कॉमनली यूज़ किया जाता है। जोखिम मतलब रिस्क, तो रिस्क ज़्यादा है तो वो कोडवर्ड यूज़ करेंगे जोखिम। तो सामने वाला समझेगा कि जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है फंड या पैसा, वो किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ट्रांसफ़र, और कितना रिस्क है, वो आराम से समझेगा। और एक टर्म यूज़ होगा जेवर, और एक टर्म होगा जेवर, जेवर मतलब ज्वेलरी। उससे भी पता चलेगा कि किस चीज़ के मामले में पेमेंट हो रहा है, जेवर या ज्वेलरी के बदले में पेमेंट हो रहा है। ठीक, तो ऐसे कोडिंग सिस्टम्स वहाँ पे या कोड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक, दूसरी एक चीज़ होती है जिस बेसिस के आधार के ऊपर ये सिस्टम चलती है, कि एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक, पेयर जो है, और जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है मतलब पेई, ओके, तो जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसका ही पैसा लेके ये सामने वाला आदमी आया है जो खुद को अंगड़िया बोल रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि सामने वाला अंगड़िया सही में अंगड़िया है और जिस जो मुझे पैसा देने वाला है उसका ही आदमी है, ये डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं कि जो ट्रेडर या मर्चेंट पेमेंट करेगा सामने वाले को, वो उस अंगड़िया को 10 रुपये का या 100 रुपये का नोट देता है। और जब वो नोट देगा तो उस नोट का नंबर वो रिकॉर्ड करेगा, उस नोट का वो नंबर रिकॉर्ड करेगा और वो अंगड़िया सामने वाली पार्टी के पास या सामने वाले मर्चेंट के पास पहुंचने से पहले, ये पहला मर्चेंट जो है जो पेमेंट कर रहा है वो उसको नोटिफाई करेगा कि एग्जैक्टली बेसिकली आपका नोट का नंबर क्या है। तो जब जिसको पैसा मिलने वाला है उसके पास ये जब अंगड़िया आएगा तो वो नोट का नंबर वेरीफाई करेगा। जब नोट का नंबर मैच करेगा, उसके पास जो नोट का नंबर दिया गया है और अंगड़िया जो नोट का नंबर लेके आया है वो जब मैच करेगा, तो जाहिर सी बात है सामने वाला उस अंगड़िया से पैसा लेगा या अंगड़िया भी सामने वाले को पैसा देगा, क्योंकि अंगड़िया को भी वो देखना पड़ेगा ना कि सामने वाला आदमी वही आदमी है कि नहीं कि जिसको पैसा देना है, वो भी चीज़ आती है। तो इस तरीके से ये सिस्टम चल रही है पिछले 250 से 300 साल से और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, कंप्लीटली ट्रस्ट के ऊपर है। और जितना ट्रस्ट बढ़ता है उतना अंगड़िया का रेपुटेशन बढ़ता है। ठीक, और एक ही अंगड़िया को बहुत सारे मर्चेंट्स फिर सालों साल उसके ही थ्रू आपके पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो खास करके ये सिस्टम कहाँ यूज़ की जाती है, खास करके ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इस एरिया में, यह वेस्टर्न बेल्ट जहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा चलता है वहाँ पे की जाती है। और मुंबई, सूरत, ये जो बेल्ट है इसमें जो लोग ज्वेलरी बिजनेस में है, मुंबई सूरत बेल्ट में
जो ज्वेलरी बिजनेस में लोग हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, खास करके डायमंड का जो ट्रेड है डायमंड मर्चेंट्स इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो मैंने बोला ना जेवर टर्म आता है, जेवर जेवर मतलब ज्वेलरी, ज्वेलरी में स्पेसिफिकली क्या है डायमंड ट्रेड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है जानने के लिए और इसके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, नॉर्मली गुजराती मारवाड़ी और मलबारी कम्युनिटी जो बिजनेस कम्युनिटीज़ है वेस्टर्न इंडिया की या वेस्टर्न कोस्ट की, गुजराती मारवाड़ीज एंड मलबारी कम्युनिटी ये लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो फिर जानते हैं अभी आगे क्या ये सिस्टम लीगल है, आगे ये भी जानना ज़रूरी है एज अ एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट क्या ये सिस्टम लीगल है। तो डेफिनेटली एटलीस्ट ऑन पेपर इस सिस्टम को लीगल माना गया है, इस सिस्टम को अनऑफिशियल माना गया है बात अलग है, बट इसको इलीगल माना नहीं गया है। अनऑफिशियल और इलीगल में फ़र्क होता है, सिस्टम इज अनऑफिशियल बट इट्स लीगल, ये वो इलीगल नहीं है। बट फिर भी इसमें प्रॉब्लम्स है, फिर भी इसमें प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र होती है और ये पूरा पैरेलल इकोनॉमी या बैंकिंग की तरह चलता है, तो कहीं भी किसी भी तरह के तरीके से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इसका रिकॉर्ड नहीं रहता है, अन अकाउंटेड मनी है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए जाते तो टैक्स इविजन बहुत सारा होता है, टैक्स इविजन बहुत सारा होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और फिर इस कुछ पिछले कुछ डिकेड्स से खास करके मुंबई में जब अंडरवर्ल्ड वगैरह बढ़ते गया, टेररिज्म बढ़ते गया, दाऊद इब्राहिम एंड अंडरवर्ल्ड आते गया, तो उसकी वजह से क्या है कि फिर ये बातें अभी सामने आने लगी कि जो हवाला ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो टेररिस्ट फंडिंग में हवाला ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं या बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र की जाती है उसके लिए पैसा दिया जाता है लेकिन किसी का नाम नहीं आता है उसमें, तो इन मामलों के लिए ये पैसा या ये सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी क्या है, ये जैसे मैंने बताया रिसेंट डिकेड्स में उसको इंडिया के बाहर अक्रॉस द कंट्री थ्रू हवाला ट्रांजैक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है। आंगड़ियाज इंडिया के बाहर काम नहीं कर रहे बट आंगड़िया और हवाला इसका इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं हो रहा है ऐसा मानना है ऑफिशियल्स का या ऑफिशियल अथॉरिटीज़ का, और उसकी वजह से आंगड़िया के थ्रू पैसा जा रहा है हवालाज में और ब्लैक मनी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है जो टैक्स इविजन इंडिया के भी बाहर जाता है, तो पूरा ब्लैक मनी ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर वो स्विट्ज़रलैंड वगैरह में स्विस बैंक्स में जाता है। ऐसी सारी बातें आ रही है और इसलिए क्या है इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्यों, क्योंकि फिर ऐसा ही पैसा टेररिस्ट फंडिंग, फेक करेंसी, इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा ही पैसा क्या होता है फिर टेररिस्ट फंडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, और यही पैसा है कि ओरिजिनल पैसा जब बाहर गया थ्रू हवाला तो उसके ही बदले में इंडिया की फेक करेंसी आएगी पाकिस्तान नेपाल के थ्रू, सारी चीज़ें हम इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते ही है। और साथ साथ ही क्या है जो नॉर्मल स्मगलिंग है और खास करके आर्म्स का स्मगलिंग, नॉर्मल स्मगलिंग तो होगा ही होगा लेकिन आर्म्स का जो स्मगलिंग है, आर्म्स डीलिंग एंड स्मगलिंग, इसमें भी ये सारा पैसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों तरफ से ये थ्रेड भी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अभी अभी सामने आ रही है। इसलिए क्या है जो प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पास किया गया था, मतलब पार्लियामेंट की तरफ से 2002 में, और उसको 2019 में अमेंड किया गया है, उसको 2019 में अमेंड किया गया है। तो एज पर द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एज अमेंडेड इन 2019, ये आंगड़ियाज की जो एक्टिविटीज है अभी वो इस एक्ट के अंदर लाने की कोशिश हो रही है कि इस एक्ट के दायरे में ये सारी एक्टिविटीज़ आनी चाहिए ताकि कोई फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और ये जो पैसा है वो टेररिस्ट फंडिंग में ना जाए और टैक्स इविजन भी ना हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक एंगल्स भी है उसके और उसके इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंगल्स भी है, लेकिन खास करके क्या है हिस्ट्री में उसका आपका ओरिजिन है, तो जाहिर सी बात है लेट मिडिवल और अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाने का चांस है। तो यहाँ पे आज हम रुकेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये आपका जो बाइट है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ होगा आपको और ज़रूरी भी है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए और डेफिनेटली और एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके अगली कड़ी में हम या अगले एपिसोड में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।